कर रहे हैं। वन सॉन्ग इज ओ पी आर है जो शाहिद माल्या जी गा रहे हैं। शाहिद माल्या बड़े सिंगर है आज की तारीख में, और ये सूफी सॉन्ग है जो हम लोग इसको राजस्थान में शूट करने वाले हैं और ग्वालियर में भी शूट करेंगे। इसमें श्रीसा रेड्डी मेन लीड में प्ले कर रही है। और दूसरा गाना जो हमारे गणेश पाटिल जी गा रहे हैं, इज ए न्यू सिंगर, डेब्यू उनका, और इज ए बैंड, इंडियन बैंड को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। और ये हम लोग बेसिकली एम टी वी इंडीज़ के लिए बना रहे हैं, पूरा बैंड है जिसे हम लोग ऑल इंडिया शोज भी करने वाले हैं। देखिए शाहिद माल्या जी तो बेस्ट सिंगर आज की तारीख में, उनको उड़ता पंजाब ने देखा होगा, रॉकी हैंडसम, तो ये गाना उनके मूड का गाना है। सूफी में उनका बहुत अच्छा पकड़ है, इसलिए हमने शाहिद जी को चयन किया। और इसका वीडियो भी हम लोग बहुत अच्छे लेवल पर प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेट आप लोग जब इसका वीडियो देखेंगे तो आप सब लोगों को पसंद आएगा और एक नई शुरुआत होगी, नई वीडियो की, नई तरीके से हम लोग करने वाले हैं। देखिए एक्टर्स का ने श्रीसा रेड्डी को चुना है फीमेल मॉडल में, इज ए टेनिस प्लेयर, नेशनल प्लेयर है, और इसके अलावा उनका लुक बहुत अच्छा, और हमको एक डस्की लुक की लड़की चाहिए थी जो थोड़ा सा एक अलग हटके हो, तो उस तरह से हमने चयन किया। और इसका वीडियो देखेंगे आपको अलग ही लुक लगेगा, जो आजकल वीडियो चल रहे हैं उनसे कुछ अलग हमने कॉन्सेप्ट बनाया। राजेंद्र जी, आपने ये वीडियो शूट कब तक प्लान किया है, कब तक ये ऑडियंस तक सकता है? ये हम लोग बस विद इन वन वीक हम लोग शूट पे जाने वाले हैं, और नेक्स्ट मंथ मिड तक ये आ जाएगा। और वी आर प्लानिंग टू बिग, दो तीन बिग कंपनी से बातचीत चल रहा है, जहाँ से हमको अच्छा डील मिलता है, अच्छा प्रमोशन मिलता है, हम उनके साथ जाएंगे। देखिए माहीवे का जो हमने वीडियो बना रहे हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है, वो हमने एक इनोसेंट लव स्टोरी है जिसमें जो हमारा है वो टेररिज्म से जुड़ा हुआ है। एक लड़की से उसको प्यार हो जाता है, तो प्यार को करने के लिए वो टेररिस्ट बन जाता है, उसको पैसे की जरूरत है, लेकिन जब वो बम प्लान कराए चीज़ें खाए तो उस बम प्लान में उसकी प्रेमिका ही मारी जाती है। तो हम एक मैसेज दे जाते हैं कि जिहाद जो होती है जो इंसानियत की दुश्मन है, इसमें आपके अपने लोग ही मारे जाते हैं, तो इससे दूर रहें, एक अच्छा मैसेज हमने दिया है माहीवे में। राजेंद्र जी, इस एल्बम के बारे में और किस जानकारी देना चाह रहे थे, कौन इसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कब रिलीज़ करेगा? देखिए इस एल्बम में सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे म्यूजिक डायरेक्टर परवेज सिंह ने म्यूजिक दिया है, जो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर है। अभी जितने भी आप बड़े प्ले देख रहे हैं, टॉप मोस्ट उनका प्ले म्यूजिक वही दे रहे हैं। और ये गाना जो है हमको लगता है कि अच्छा गाना है और आप सब लोग इसको जरूर पसंद करेंगे। और इस एल्बम में इन दो गाने के अलावा क्या और भी गाने आपने कमेंट किए हैं? नहीं, अभी हम लोग सिंगल ट्रैक का, आप जैसे जानते हैं कि सिंगल ट्रैक का ज़माना चल रहा है, हर कंपनी एक ट्रैक बनाती है, उसका वीडियो प्रमोट करती है, तो हम पहले वन बाय वन करेंगे। पहले हम लोग ओ पी आर ए रिलीज करेंगे, देन 15-20 डेज बाद हम लोग माहीवे रिलीज करेंगे। ओके, थैंक यू, आप लोगों की शुभकामना आशीर्वाद बना रहे हैं, थैंक यू। ये माहीवे सॉन्ग है, ये थोड़ा अलग टाइप का है, हाई नोट्स वाला एक मैंने सॉन्ग है। तो जो हमारे ये म्यूजिक डायरेक्टर है परवेज सिंह जी, इन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, मैं यानी यहाँ से हूँ, नागपुर से हूँ, तो मेरी आवाज़ उन्होंने सुनी, तो बोले यार गणेश जी ये आपके लिए मतलब परफेक्ट सॉन्ग है, ये माहीवे जो इसके नोट्स है, बोला ठीक है, तो ये सॉन्ग मुझे दिया गया और मैंने उससे अच्छी तरह से निभाया। उसके बाद इसका यानी ग्वालियर में शूटिंग होने वाली है एक, तो और एक मतलब मैंने वीडियो बनने वाला है, तो उसमें मैं यानी सॉन्ग करते नजर आऊँगा। और हमारे डायरेक्टर जो है राजेंद्र जी राठौड़, इन्होंने भी अच्छा चांस दिया, और ये मेरा पहला सॉन्ग है, मतलब मैंने ये सॉन्ग के लिए बॉलीवुड में मैंने पहली मेरी एंट्री है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे तो ये सोलो है, लेकिन कुछ ये है वो लाइंस है जो यानी फीमेल एरिका जी सिंगर करके हैं, वो यानी गा रही है। हाँ ठीक है ना, मैं बहुत ही बढ़िया लग रहा, यानी राजेंद्र जो सर है, जो राठौड़ साहब हमारे मतलब बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के सर हैं, और उन्होंने मतलब मैंने अच्छा मुझे मतलब मैंने गाइडेंस किया, जो कि मेरा पहला एल्बम है, और उन्होंने अच्छा सराहा भी। और हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर है परवेज जी, वो मतलब मैंने उन्होंने भी बहुत मुझे सहायता किया, और अच्छे से मतलब मैंने कोऑपरेट करके उन्होंने मतलब मैंने सॉन्ग के लिए मुझे तैयार किया, तो मैं उनका भी मतलब मैंने थैंक्स बोलना चाहूँगा उनको, और वो राजेंद्र जी को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा, और आप सभी को भी, क्योंकि आज मैं मतलब मैंने पहली बार यानी मीडिया के सामने हूँ और ये मेरा पहला सॉन्ग है, तो आप अच्छे से इसको प्रमोट करें। राइट, माहीवे एक सूफी सॉन्ग है
जो गणेश पाटिल जी हैं वो गा रहे हैं। इट्स अ गुड सॉन्ग और काफ़ी रूहानी सॉन्ग है, आप लोग सुनेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। हम लोगों ने सोचा था कि सूफी और रॉक मिक्स करके कुछ बनाया जाए, तो उसी लाइंस पे है ये गाना जी। अब गाना तो ऐसा है, कई बार एक घंटे में बन जाता है और कई बार 10 घंटे भी लग जाते हैं, तो नहीं उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। राग बेस्ड गाना है, सूफी है, तो जल्दी हो गया था। ओरेपिया भी सेम लाइंस पे है, बट माही पे अगर आप देखेंगे तो सूफी और रॉक मिक्स है, जबकि ओरेपिया जो है वो क्लासिकल और पॉप मिक्स है। तो दोनों जॉनर थोड़े आसपास ही हैं, बट ऐसा नहीं कि कोई एकदम ही क्लासिकल या एकदम कोई प्योर पॉप है, दोनों आसपास के ही जॉनर के गाने हैं। दोनों ही गाने के लिए सारी वालिया और आपने गणेश पाटिल का चुनाव किया, किस तरीके से आपने क्या सोच के आपने इनका गाने का चुनाव किया? शाहिद का आवाज़ काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छा गाता है, और गणेश जो हैं वो भी हमारे पास आए थे तो उनका भी हम लोगों ने ऑडिशन लिया। उसके बाद उनका आवाज़ जिस गाने को सूट करता है वो उनको दिया, और शाहिद का जिसको सूट करता है वो उसको दिया। लाइक दैट जी। उनके साथ हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, राजेंद्र राठौर जी के साथ कई एड फिल्म्स वगैरह भी किए हैं। इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, वेरी प्रिसाइज, उनको मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अच्छा एक्सपीरियंस था हमेशा भी, और आगे भी हम लोग वीडियो शूट करेंगे तो होपफुली अच्छा ही रहेगा। दैट्स इट। या जहाँ तक मुझे पता है ये सॉन्ग एक प्यार से भरा हुआ गाना है और एक सिंगल है, और परवेश जी इसका म्यूजिक कर रहे हैं। परवेश, पूरा नाम आपका बताएं आप प्लीज। परवेश सिंह। परवेश सिंह जी कर रहे हैं, और हमारे वीडियो डायरेक्टर हैं राजेंद्र राठौर। राजेंद्र राठौर साहब। तो एक राग बेस्ड गाना है और बहुत ही खूबसूरत रेंडिशन है। लेट्स सी इस क्रिएशन को कैसे मैं पूरा करूँ, और भी इस पर भी वर्कआउट कर ही रहे हैं हम लोग, थोड़े कुछ करेक्शन बाकी हैं करेंगे हम लोग। आपने कौन सा गाना गाया है? एक्चुअली माही वे अलग है और ओरेपिया दो सिंगल हैं, ये अलग अलग हैं, तो शाहिद सिंगिंग ओरेपिया। ओके। इनके साथ काम करने कैसा लगा? अच्छे इंसान है, म्यूजिकल लोग हैं, और म्यूजिकल लोगों के साथ काम करके अच्छा लगता है। जो म्यूजिक से जुड़े होते हैं थोड़े से एकदम झुके हुए, मतलब विनम्र स्वभाव के होते हैं, तो इनमें से हैं ये परवेश जी हैं। तो ऑलवेज एंजॉय जब ऐसे लोगों के साथ काम करता हूँ जो म्यूजिक से जुड़े हुए होते हैं। थैंक यू।